सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। बिग बॉस 15 में तेजस्वी प्रकाश ने वर्कआउट के दौरान निकाली कुछ ऐसी आवाजें जिसके बाद करण कुंद्रा सच में शर्मा ही गए। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो कैसा हमेशा की तरीके आज भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत ही कमाल की न्यूज़ है, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बिग बॉस 15 के अंदर इस समय तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा और साथ ही उमर रियाज, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा वायरल हैं और इन्हीं को लेकर शायद ये शो और ज़्यादा ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंच जाएगा। वैसे में यहां पर वर्कआउट के दौरान तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा दोनों ही एक साथ वर्कआउट कर रहे थे, जहां इस बार तेजस्वी को उमर रियाज और करण कुंद्रा दोनों ही सही से वर्कआउट करना सिखा रहे थे। और ऐसे में यहां पर जब तेजस्वी प्रकाश पुशअप्स कर रही थी तो वहीं उनको सपोर्ट करने के लिए करण कुंद्रा उनके ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद तेजस्वी कुछ ऐसी आवाज़ें निकालने लगती हैं, जिसके बाद करण कुंद्रा उनसे साफ़ तौर पर ये कहते हैं कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, क्योंकि इसकी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है और मैं सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी मोमेंट था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उमर रियाज और तेजस्वी प्रकाश दोनों ही एक साथ वर्कआउट कर रहे थे, जहां पर बार बार तेजस्वी उमर से ये पूछ रही थी कि करण मुझे सही से वर्कआउट करा रहे हैं या फिर नहीं, ये तुम मुझे बताते रहना उमर रियाज। और ऐसे में यहां पर उमर रियाज और तेजस्वी प्रकाश की इन दोनों की ही ये बातें सुनकर करण कुंद्रा ने फिर तेजस्वी प्रकाश से ये बोला कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम वर्कआउट छोड़कर जा सकती हो। तो इसके बाद तेजस्वी बोलती हैं कि मुझे पता नहीं कि तुम सही से वर्कआउट करा रहे हो या फिर नहीं, लेकिन प्लीज़ सही से कराना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका जवाब देते हुए करण बोलते हैं कि अगर मैंने तुम्हें गलत वर्कआउट कराया होगा तो इसका तुम्हें कल सुबह ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर पूरी बॉडी में तुम्हारे पेन होता है इसका मतलब तुमने सही से या फिर मैंने तुम्हें गलत वर्कआउट कराया है, और अगर तुम्हें पेन कम फील होता है तो इसका मतलब तुमने वर्कआउट एकदम सही किया है। तो कुछ ऐसी दोनों ही के बीच ही बातचीत हुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा फ़नी भी थी। अगर आप इसे देखेंगे सच में तो आपको ज़रूर ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। फिलहाल का इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। See the horizon, turn us to thousands.